पैजामा पहनाया गया और हमारे सारू समाज के नेता जो प्रजातंत्र के तहत संवैधानिक शक्तियों के तहत वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था उसको बर्बाद करने के लिए उसको उकसाया गया। समराव का गांव जो पहले उपखंड गुड़ियारा में लगता था जो वहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रशासन की कुत्सित चालों से उस गांव को 80 किलोमीटर दूर शहर का तो भाई राज्य सरकार के दबाव में जबरन एसडीएम को टॉर्चर करके एसडीएम ने अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम नहीं देने के कारण ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद 10 जिलों की पुलिस, 10,000 पुलिस वाले, आर्मड पुलिस वाले जैसे एक आतंकवादी को पकड़ते हैं उस तरह से उस नरेश मीणा जो हमारा बच्चा है उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए इतना लवाजमा लगाया गया। प्रजातंत्र में ये कतई मान्य नहीं है। आप लोगों का गुस्सा जायज है पर गुस्सा सही जगह और सही समय पे निकालना चाहिए। नरेश मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना केवल नरेश को रिहा करने की बात करते हैं, हम उन सभी नवयुवकों को, सभी उस एरिया के जो निर्दोष लोग हैं जिनके साथ प्रशासन द्वारा मारपीट की गई, कुछ बच्चे सूत नहीं के नरेश मीणा जिंदाबाद, 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 नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य सरकार ने अभी तक दिया क्या कोई वक्त? वो मंत्री वहाँ गया जिसने क्या बोला है के गांव में जो अच्छी आदमी गिरफ्तार कर रखा है आईएएस आईपीएस लॉबी को ये खाई ने पकड़ा, खाई ने पकड़ा। यूनियन है उनकी, प्रदेश की, देश की है, देश की यूनियन है। इसके आगे कोई नहीं आएगा, इसके पीछे भाई शेयर कर दे के एक बार सर। Thank you.
लाख लोग